दोस्तों YouTube अपने ऑडियंस के लिए जबरदस्त अपडेट हमेशा लाता रहता है। अभी दोस्तों 2021 में लगातार अपडेट ला रहा है, वीक में दोस्तों चार पांच अपडेट ला ही देता है। दोस्तों आज जो नया अपडेट आया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर समय बचत के लिए ये अपडेट लाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और न्यू अपडेट की जानकारी हमेशा आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि YouTube अपने ऑडियंस के लिए नया नया जबरदस्त अपडेट हमेशा लाता रहता है। सो दोस्तों YouTube के दो नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे हमारा जो मोटिवेट रहे और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और आप सबके लिए जबरदस्त अपडेट बता सकूं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला अपडेट आया है आपके समय बचत के लिए YouTube ने लाया है। अभी तक दोस्तों आप जानते थे कि आप जब अपना वीडियो अब कंप्लीट रूप से अपलोड कर देते थे अपने चैनल पे, तो वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता था जो लास्ट में देखने को मिल जाता है एलिमेंट का। यहाँ पर एलिमेंट के ऑप्शन पे दोस्तों आपको इन स्क्रीन आई कार्ड और आपको वहाँ पर एक सबटाइटल का नया अपडेट आ गया है उसको भी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इन स्क्रीन क्या है। वीडियो को लास्ट में आप जब जाते हैं, काफ़ी चैनल पर आप जाते हैं वहाँ पर वीडियो देखते हैं, लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको दो वीडियो या चैनल वहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाती है, तो इसी दोस्तों इन स्क्रीन कहते हैं। और दोस्तों एक होता है आपका आई कार्ड। आई कार्ड मतलब दोस्तों जैसे कि मैं बोल दूँ कि आई कार्ड पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, तो उसको आई कार्ड करते हैं, वहाँ से आप लगा सकते हैं। एक हो गया सबटाइटल। दोस्तों सबटाइटल का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में एक ट्रांसलेट करके नीचे आपको दिखता रहे, इसको सबटाइटल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें नया अपडेट आया है जो आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें नया अपडेट ये आया है दोस्तों, जब आप अपनी वीडियो को कंप्लीट रूप से अपलोड कर लेते थे अपने चैनल पे, तो आपको दोस्तों ये सब ऑप्शन अपलोड करने का मतलब ऑप्शन लगाने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन दोस्तों अब YouTube ने इसमें कुछ डेवलपमेंट किया है, नया अपडेट ला दिया, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अपडेट है। इसमें दोस्तों अब आप जैसे वीडियो को अपलोड करने के लिए लगाएंगे अपने चैनल पे, तो वहाँ पर दोस्तों तुरंत ये हाइट हो जाएगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगा। आप इसमें दोस्तों वीडियो अपलोड होते होते आप इसको सेट कर सकते हैं। पहले होता दोस्तों जब तक आप अपनी वीडियो को कंप्लीट रूप से अपलोड नहीं कर पाते थे वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं ओपन होता था, लेकिन दोस्तों अब आप जैसे ही अपलोड पे लगाएंगे तुरंत ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप लगातार इसको भी सेट कर सकते हैं वीडियो अपलोड होते होते ही। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा समय बचत के लिए लाया गया है YouTube की तरफ से, और इससे दोस्तों ऑडियंस जो रहेंगे उनको भी बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी और जो मतलब कि क्रिएटर रहेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो अपलोड करने तक, वहाँ पर प्रोसेसिंग का इंतजार करते हैं तो जाकर इन स्क्रीन आई कार्ड और सबटाइटल लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वीडियो अपलोड लगाने के बाद तुरंत उसको भी सेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा अपडेट बताते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये भी है और दोस्तों आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट करने वाला अपडेट आया हुआ है जो दूसरा है वो भी। दोस्तों जो दूसरा अपडेट आया है YouTube शॉर्ट के ऊपर आया है। जैसे दोस्तों मैं हमेशा जब भी नया अपडेट बताता हूँ YouTube शॉर्ट का एक नया अपडेट उसमें आया ही रहता है, तो इस बार भी दोस्तों जो नया अपडेट आया है उसमें भी YouTube शॉर्ट का एक नया अपडेट निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों YouTube शॉर्ट का भी एक नया अपडेट बता देता हूँ। अभी तक दोस्तों आप जानते थे कि इंडिया में भी लॉन्च था शॉर्ट और काफ़ी सारी कंट्री में भी लॉन्च था, लेकिन बहुत सारे कंट्री में अभी तक YouTube शॉर्ट नहीं चल रहा था, जिससे दोस्तों व्यू डाउन होता चला जा रहा है और यहाँ पर YouTube भी अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन YouTube फिर से YouTube शॉर्ट के ऊपर एक ज़बरदस्त अपडेट निकाल दिया है, मतलब 23 कंट्री में और भी ज़्यादा लॉन्च कर दिया है और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है YouTube शॉर्ट को। अब जमकर दोस्तों वहाँ पर व्यू आएगा। आप लोग YouTube शॉर्ट के उस फीचर को इस्तेमाल करिए, उसमें वीडियो अपलोड करिए, अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर बताइए, अपने बारे में कुछ वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताइए, जिससे ऑडियंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे आपकी वीडियो को देखने के लिए और आपका वॉच टाइम उसमें से कुछ इंक्रीज होके और भी ज़्यादा कंट्री में जा पाए। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि 23 कंट्री में और भी इम्प्रूव कर दिया है, अभी तक 23 कंट्री जो बाकी था उसमें नहीं चल रहा था YouTube शॉर्ट, लेकिन वहाँ पर भी अब लॉन्च कर दिया है। अभी दोस्तों टेस्टिंग चल रही है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं YouTube शॉर्ट के फीचर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर बीटा लिखा हुआ मिलेगा। इससे हमको देखने को मिलता है, इससे हमको जानने को मिलता है कि YouTube अभी वहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है YouTube बीटा को, मतलब कि दोस्तों YouTube शॉर्ट के फीचर को अभी बीटा वर्जन में रखा गया है, उसको टेस्टिंग कर रहा है YouTube। तो चलिए दोस्तों आपको यही बताना था, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और न्यू अपडेट की जानकारी हमेशा आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए देश में, तब तक ले जाएं वंदे मातरम।